ब्लू सिंह पाउडर लिख मिली तो आई मा तो आई मा गोयदा आदमी का पेट खराब हो जाता है ना, बीमार हो जाता है। अरे छोटे भाई मिला क्या? हम तो मिला नहीं, ऊपर से हमको पूरा यहाँ से तकांग मार दिया अभी घासी में मुलु पातो न दुगा पामान ना पूरा पामान मुयाम का इमोके ना मुतु पामांग ये करूँ नो पामान मुके ना पाती ना अबाने अबा नो पुजे को पाती ना। अभी आप बताओ कितना मिला है? नहीं मिलने से आपको बुक के लेके जाएगा बोला था ना? बिल्कुल नहीं मिला है मछली। हाँ मिला ही नहीं तो हमको बुक के लेके जाएगा ना, ले जाना पड़ेगा अभी। हाँ नोलू को पाता नोलू हेलो गाइस, आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम यमबेंग तामु फेस्टिवल में जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक नेट बुक के जा रहा हूँ, ये इसी से मैं मछली पकड़ने के लिए कोशिश करूँगा। तो लाइफ में मेरा पर्स एक्सपीरियंस होगा, कभी मैंने गया नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस आज यमबेंग तामु फेस्टिवल में कोशिश करूँगा, मैंने उसमें हम कुछ मछली मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे और वहाँ पे कितना आदमी आता है उसको भी मैं उसका एक्सपीरियंस भी लूँगा। तो आप सभी को भी मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उसी के लिए आप वीडियो से स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मिलते हैं यमबेंग रिवर में। ये मेरा आज का दोस्त लुक देखिएगा, क्या आप सभी को कैसा लग रहा है? क्या मछली मिलेंगे आज? शायद मिल सकता है, मिल सकते हैं ना, मिलने का काफी संभावना है। उम्मीद के साथ जा रहे हैं ना? जा रहा है। ओके बड़ा बड़ा ला लेके आएगा, बड़ा बड़ा ला ना। चलिए कोशिश करता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मेरा पड़ोसी दोनों भी आ गया। आप दोनों को कैसा लग रहा है, मछली मिलेगा क्या आज? पता नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हमको भी फर्स्ट टाइम आ रहा है आज, पहला एक्सपीरियंस होगा। और ये भैया दोनों भी आ रहे हैं, देखिएगा। भैया आप दोनों को कैसा लग रहा है, मछली मिलेंगे? मिल भी सकता है। ओके चलिए देखते हैं ना। दोस्तों ये सब मछली ढूंढने के लिए जा रहा है, कम्युनिटी पीस कहा जा सकता है आपको। अब मैं पहुंच चुका हूं यमबेंग का बैंक में, पानी में नदी में अब पहुंच चुका हूं। तो कुछ ही देर में शायद दवा को डालेंगे, तो अपना स्थान रेडी करता हूं अब। चलिए दोस्तों देखते हैं आज मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, आज लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा, कभी ऐसा चीज़ में गए नहीं, देख लेता हूँ क्योंकि हमारे वहाँ ये सब करता नहीं है। ऐसा अब यहाँ मेरा टीम जो रेस कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, आज बहुत मछली पकड़ेगा। हाँ तो शायद हम लोग को मछली मिलने जा रहा है ऐसा लग रहा है, थोड़ा आशा करता है। मछली तो मिलना पड़ेगा ना, इतना दूर से है। आज का पाइटर ये होगा बोलता है। मिलेगा मछली मिलेगा, हमेशा लाइक बांध के रखा है। अच्छा भाई का एक्सपीरियंस है क्या ये जाने ये पकड़ने का? हाँ एक्सपीरियंस है थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक से बताओ। थोड़ा मोड़ा मिलता है, एक्सपीरियंस तो है, इसलिए आया है हमें मारने के लिए। आज आपको ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, हम पास आ रहे हैं तो मिलना ही है। पहली बार होगा। हाँ ठीक है, मिलेगा, श्योर है ना? पक्का मिलेगा ना एकदम पूरा। और नहीं मिलने से आपको बांध के रखना पड़ेगा। होगा। और चौराई में आप ये चौराई में आप हमको बुक के लेके जाएगा? होगा ठीक है। नहीं मिलेगा तो मिलेगा ना, पूरा श्योर है, मछली बहुत है। ये यहाँ सबके सब मछली का इंतजार में है, अभी कुछ ही देर में यहाँ दवा को डाला जाएगा, लेकिन इस बार सब ऑर्गेनिक होगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालेंगे। तो जंगल से जो हमारे यहाँ नेचुरली ये दवा यूज़ करता है उसको डाला जाएगा, तो
मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा बात है, हो सके तो आपको ब्लेसिंग पाउडर नहीं डालना चाहिए, तो इतना भी पानी में रहता है तो सब मर जाएंगे। तो इसीलिए जो जंगल से जो दवा लेके आएंगे वो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मरेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे मगर सब नहीं मरेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार है ये पानी, ये यमिंग रिवर है, ये गोगुक और डालबिन का बीच में है। तो मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, मैं इस बार पहली बार आया हुआ है, तो मेरे भी लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं भी इस इलाका में रहता हूँ, आगे जाने से नहीं मिलेंगे, हमको मालूम है आगे जाकर पैदा नहीं है, तो यही ठीक रहेगा हमको ऐसा लग रहा है। दोस्तों यहाँ देखिए ये दवा आ चुका है, अब धीरे धीरे वहाँ से प्रवेश कर रहा है, तो आदमी ऊपर वाला शुरू हो गया, अब अभी बागदर शुरू हो जाएगा, यहाँ तो आया नहीं अब। नो दागू तो लगा, पानी का कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा यहाँ जब दवा आएंगे, जिसको हम तामू बोलता है मेरा आदि में, शायद ये हिंदी में नहीं है। अब यहाँ देख सकता है बहुत सफ़ेद सफ़ेद और काला काला होके आ रहा है, मगर मछली नहीं है, शायद मछली नहीं मरेंगे, यदि मछली मरता अभी तक तो कुछ इशारा देता, कोई भी नहीं पकड़ रही है, जितने भी आदमी दिखाई दे रहा है अभी कोई भी नहीं पकड़ रहा है, सब रेडी होके बैठा हुआ है लेकिन कोई भी नहीं पकड़ रहा है। ये मेरा पंकज का भैया जो एक तो मिला हुआ है, ये देखिएगा एक मच्छी, एक मासी रही है, ये देखिए आपका क्या है, चॉकलेट मासी, सीमोंग सीमोंग, ओ सीमोंग है नाई, ये करू नो पामान मुके ना पाती ना अपन है अबा नो बुझे को पाती ना, अरे हो मैं पामान आई पाए 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 मिले ना ना, अरे कोई दोस्तों ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ मिला है बोल रहे हैं। हाँ मिमी को माई नो पातो, अरे चटनी के लिए हो जाएगा, आज के लिए तो ये बहुत मिला है। अरे आने को भाई, अरे कतरों से खिलाड़ी आई,
नहीं मिला ना, क्या करेगा, नहीं है। रास्ता बहुत रिक्स है। मछली नहीं मिला है उनके यार, अभी स्नान कर रहा है यहाँ पे, सब नहा रहे, मछली मिला नहीं है। यूनी वो लाइक केप पहना हुआ है, देखिए। अब आप बताओ कितना मिला है, नहीं मिलने से आपको बुक के लेके जाएगा बोला था ना, बिल्कुल नहीं मिला है मछली, मिला ही नहीं तो हमको बुक के लेके जाएगा ना, ले जाना पड़ेगा अभी। क्या है, क्या है, एक मिला है सोतला, देखिएगा, दिखा देगा, ये मेरा। ओ, आप ये मिला है ना, आपका तो थोड़ा है, चटनी के लिए हो जाएगा, आपका चटनी के लिए ये हमें मिला था। तेरी का ये तो कहाँ होगा, वो मछली पूरा निशान है भाई, बिल्कुल। यहाँ कोई लोग रोस्टिंग कर रहा है भैया, लोग आप लोग मिला ही क्या, तो जो मिला है यार रोस्टिंग करके साथ खाएंगे आप, जो मिला है पेट में लेके जाएगा, पेट में ना थोड़ा बहुत मिला होगा, देखिएगा तरह से दिखाई आप लोग का नहीं है, देखिएगा हल्का से आपका पास, आपका ये तो आपका चटनी के लिए हो जाएगा, खाने के लिए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा लोकल इसको बना रहा है चावल में, अक्सर आप देखते होंगे, देखिएगा। तो यही मजा है मेरा, इस पैर से जंगल में ये करने की होता है। मनु पातन दूंगा पामान पामान मुतु पामान नुलु पांका का पी बोलो सान रे तू पापा लगी तू रा दे आने के दा कोंदा उसी तुम कोई अभी जमाने तुम। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये सब पांकम से आई हुई है मच्छी पकड़ने के लिए, इतना दूर से आया हुआ है, लेकिन इन लोग को एक भी नहीं मिला है बोलता है, बहुत दुख की बात है, लेकिन कोई नहीं, ये तू कभी मिलेंगे ना, देखो ना पाए कि तू आई, हाँ आती का मांग, हाँ यहाँ मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए एक्चुअली आया हुआ है, देखो इसी का वाला गया, इसी का इसी का ना नूल कुम पाम आई का उपाय कमा दा दे ना मूलांग का मांग का, ये हर एक कोई यहाँ बैठा हुआ है, सब शायद मेरा ख्याल से मायूसी हो रहा है, तो कुछ मिला नहीं है, नोलू पाता हूँ पामांग आई अब ये तो मिला है, तो बुरा वाला भी मिला है, देखिए देखा, अरे नुनु मैं पातो दोस्तों आज का एक्साइटिंग ही अलग था, बहुत एक्साइटेड था, बहुत मजा था, लाइफ में हमको पहली बार एक्सपीरियंस मिला हुआ है, ओ सॉरी सब मायूसी मायूस, कोई भी मिला नहीं है शायद नोलू को पाता हूँ नोलू पामा गई अल्लाह, ये तो मिला है बेचारा ना, ये पातूंगा वहाँ आज के लिए, तो ये मिला हुआ है ना, एक तो बड़ा लग मिला है ना, जब अरे छोटे भाई मिला है क्या, हम तो मिला नहीं, ऊपर से हमको पूरा यहाँ से तकांग मार दिया अभी घासी ने, वो इतना दर्द हो गया ना मिला है क्या का है तो अय्या दोनों को आज का चटनी के लिए हो जाएगा
दे दवाई हम लिख भी पलागी दो दा देखो भैया ब्लीचिंग पाउडर हम लिख भी मांग ब्लीचिंग पाउडर लिख मिली देखो माई मा तो आई मांग हम दोए दा आदमी का पेट खराब हो जाता है ना बीमार हो जाता है ये कितना टेंशन है अभी एक आदमी भी एक तो मछली नहीं मिला है कितना टेंशन कोई बात नहीं आज पूर्ति तो है ना यही काफी है अभी एक्साइटिंग होके जा रहे हैं ना हम लोग को अरे कोई को मच्छी मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है मेरे हिसाब से तो मैंने अभी पुट्टी करके जा रहे हैं हमको तो हो गया पुट्टी हो गया कोई बात नहीं एक्सरसाइज होगा ना बदन के लिए एक्सरसाइज होगी आपको मैं दिखा दूंगा आज कितना मछली मिला है हम आपको मैं दिखाता हूँ देखिएगा ये एक और देखते जाइए ये दो और ये तीन ये है आज का मेरा हाजिरा तो एक दिन यहाँ गुजर गया तो दोस्तों मच्छी मिलना नहीं मिलना वो कोई बुरा बात नहीं है लेकिन आज एंजॉय किया और मैं आपको बार बार बताया वो लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था तो बहुत मज़ा लगा बहुत एंजॉय हुआ सामने में दुनिया भर का आदमी था लड़की लड़का बुजुर्ग सब मछली ढूंढा था तो उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगा तो आप कभी भी हमारे यहाँ आएंगे तो ऐसा ये तमु फेस्टिवल आने से ज़रूर विजिट करना बहुत एक्साइटिंग होता है बहुत मज़ा आता है बहुत आनंद आया हमको भी तो दोस्तों यही था आप सभी को मैं यही दिखाने के लिए यहाँ आया था मगर क्या करूँ नेक्स्ट जहाँ पे करेंगे उसी जगह में मैं आप सभी को और ढेर सारा मछली मिलते हुए दिखाने के लिए कोशिश करूँगा तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से विदा लेता हूँ थैंक यू जय हिंद जय अरुणाचल।